सेवन या एट पार्सल है एंड बहुत ही हैवी पार्सल है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रियंका स्टाइल कॉर्नर में। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड, आज की वीडियो मीशो हॉल पे होने वाली है, बट आज की वीडियो थोड़ी सी स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको जितनी भी चीज़ें देखने को मिलने वाली है सब कुछ वेलवेट के फैब्रिक में होने वाली है। तो आप कह सकते हैं हैशटैग वेलवेट फैब्रिक का हॉल भी आज होने वाला है। आपको कुछ कुर्ता सेट देखने को मिलेंगे, कुछ साड़ियाँ भी देखने को मिलेंगी, ब्लाउज भी देखने को मिलेगा। जो भी होगा सब कुछ वेलवेट के फैब्रिक में होगा एंड सुपर दुपर अफोर्डेबल रेंज में है। सारी आपको अंडर 1000 में मिल जाएंगे। सिर्फ एक कुर्ता सेट की प्राइस आई थिंक 1500 है, बाकी सारे आपको अंडर 1000 में मिल जाएंगे। कलेक्शन ऐसा बनाया कि जिन्हें आप विंटर वेडिंग फंक्शन में आसानी से स्टाइल कर पाए, चाहे साड़ी हो, चाहे ब्लाउज हो, चाहे कुर्ता सेट हो, सबको आप अच्छे से एक्सेसराइज करके पार्टी में स्टाइल कर सकते हैं। बट अभी तक मैंने किसी भी पार्सल को ओपन नहीं किया, बहुत ही हैवी है, तो आपके सामने इसकी अनबॉक्सिंग होगी एंड फर्स्ट जो इम्प्रेशन होगा वो सब कुछ आपके सामने शेयर किया जाएगा। तो चलिए बिना देरी की हुए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। चलिए सबसे पहला पार्सल ओपन करते हैं जो थोड़ा सा हैवी भी है। तो सबसे पहले इसे ओपन करते हैं। आई थिंक इसमें साड़ी है क्योंकि ये थोड़ा सा हैवी लग रहा है एंड वेलवेट का फैब्रिक थोड़ा सा फोल्ड करने पर वैसे ही हैवी हो जाता है। मुझे जहाँ तक गैस है इसमें साड़ी है, बट देखते हैं क्या निकलता है। मेरा गैस सही निकला, इसमें साड़ी ही है। फर्स्ट लुक की बात की जाए तो कलर तो एग्जैक्टली सेम लग रहा है जो मैंने ऑर्डर किया था। एंड पहले मैंने ये रैपर हटा देती हूँ क्योंकि रैपर बहुत ही आवाज़ कर रहा है, उसके बाद आपसे बातें करती हूँ। स्किन की बात की जाए तो बहुत ही अच्छे से पैक होके आया है। आप देखिए बहुत ही खूबसूरत पर्पल कलर में ये साड़ी है। एग्जैक्टली जैसा मीशो की साइट पे दिखाया गया उसी कलर में आपको ये साड़ी रिसीव होने वाली है। अब पूरा ओपन करके देखते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी है। मुझे तो फर्स्ट लुक में बहुत ही पसंद आ रही है। पहले मटेरियल की बात की जाए, जो ऑलरेडी मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बता दिया कि सब कुछ वेलवेट के फैब्रिक में होने वाला है, तो ये भी वेलवेट का फैब्रिक है, सॉफ्ट फैब्रिक है। प्राइस के अकॉर्डिंग क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, बिल्कुल भी चीप क्वालिटी वाला स्ट्रेचेबल फैब्रिक नहीं है। आप देखिए क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रखी है, बैक साइड से भी आप देख सकते हैं। तो फैब्रिक प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा, आई थिंक मुझे ये 735 में मिला था। वैसे जो भी ओरिजिनल प्राइस होगी मैं यहाँ स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी। तो लगभग एक मीटर तक कपड़े में, आप देखिए ये स्टार्टिंग का जो एक मीटर कपड़ा है इसमें इन्होंने कोई भी बॉर्डर की डिटेलिंग नहीं प्रोवाइड की है। मैं नीचे की साइड भी आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए एक मीटर कपड़े तक आपको कोई भी बॉर्डर की डिटेलिंग नहीं मिलेगी, उसके बाद इस साड़ी में बॉर्डर मिलेगा। तो ये सिंपल सी प्लेन साड़ी है, बस इसमें आपको बॉर्डर की डिटेलिंग मिलेगी। ऊपर की साइड आप देखिए पूरा सिंपल सा प्लेन है, नीचे की साइड आपको इसमें बहुत ही खूबसूरत सा बॉर्डर मिलेगा। मैं इसका बॉर्डर आपको कुछ दिखाती हूँ। एम्ब्रॉयडरी वर्क एंड लेस वर्क की डिटेलिंग के साथ आपको इस साड़ी में बॉर्डर मिलेगा। अलग से पैच स्टिच किया, स्टिचिंग भी काफ़ी अच्छी की है। एंड आप पास से देखिए इसका बॉर्डर पूरा आपको एम्ब्रॉयडरी वर्क एंड नीचे की साइड इस तरह से आपको गोल्डन लेस मिलेगा, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। स्पेशली इस पर्पल कलर पे ये इन्होंने जो लेस एंड एम्ब्रॉयडरी वर्क की डिटेलिंग दी है ना, बहुत ही खूबसूरती से निकल के आ रही है। आप देखिए फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी रखी है। तो पूरी साड़ी ऐसे ही है, ऊपर की साइड प्लेन है एंड नीचे की साइड आपको बहुत ही खूबसूरत सा एम्ब्रॉयडरी वर्क वाला बॉर्डर मिल जाएगा। अब साड़ी में जहाँ से हम पल्लू लेते हैं वहाँ पे अगेन आपको सेम बॉर्डर की डिटेलिंग मिलेगी। आप देखिए इसकी भी फिनिशिंग आप देखिए काफ़ी खूबसूरत लग रही है। तो जब आप साड़ी स्टाइल करेंगे, वियर करेंगे, तो ये वाला बॉर्डर यहाँ पे आएगा। आप इमेजिन कर सकते हैं कितना खूबसूरत लुक निकल के आएगा। एंड ये जो दोनों कलर है, पर्पल एंड ये गोल्डन कलर, एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब आँचल की बात की जाए तो जैसी साड़ी है वैसे ही आँचल है, अलग से कोई भी आँचल नहीं है, रनिंग आँचल है ये साड़ी का आँचल। आप देखिए बस आँचल के लास्ट एंड पे अगेन आपको ये बॉर्डर की डिटेलिंग मिलेगी। तो मुझे तो साड़ी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगी, स्पेशली इन्होंने ये जो बॉर्डर प्रोवाइड किया ना, इसकी वजह से इस साड़ी का लुक बहुत ही खूबसूरत हो रहा है। सिंपल सी प्लेन साड़ी है बट बॉर्डर की वजह से बहुत ही खूबसूरत लुक निकल के आ रहा है। अब इसका ब्लाउज देख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं कि ये साड़ी आपको बाय करना चाहिए कि नहीं। ब्लाउज भी आपको वेलवेट के फैब्रिक में मिलने वाला है। आप देखिए सेम वेलवेट के फैब्रिक में एंड आप देखिए सेम कलर में आपको ब्लाउज का कपड़ा मिलने वाला है। बट ब्लाउज का कपड़ा उतना सॉफ्ट नहीं है जितना साड़ी का फैब्रिक है, थोड़ा सा हार्ड वाला वेलवेट का फैब्रिक है। एंड इस तरह से ब्लाउज के कपड़े में भी आपको बॉर्डर की डिटेलिंग मिलेगी, तो जब आप ब्लाउज स्टिच करवाएंगे तो ये बॉर्डर स्लिप पे आएगा या नेक पे आप डलवा सकते हैं, तो लुक काफ़ी खूबसूरत निकल के आएगा। एंड पूरे ब्लाउज के कपड़े में इस तरह से आपको छोटे छोटे सिक्वेंस वर्क की बूटियाँ मिल जाएंगी। फिनिशिंग भी इन्होंने काफ़ी अच्छी रखी है। तो आई थिंक ब्लाउज स्टिच होने पे एंड इस साड़ी के साथ पेयर अप करेंगे तो बहुत ही खूबसूरत लुक निकल के आएगा। तो प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे तो ये टोटली वर्थ इट साड़ी लगती है। अभी तक मैंने इसे स्टाइल नहीं किया, आपके सामने ही ओपन किया है, तो लेंथ विथ को छोड़ दिया जाए तो बाकी इसमें मुझे सब कुछ अच्छा लगा। फैब्रिक की क्वालिटी, एम्ब्रॉयडरी वर्क की डिटेलिंग, लुक
सब कुछ बहुत ही अच्छा लगा। इसे विंटर के किसी भी फंक्शन में स्टाइल कर सकते हैं क्योंकि ये वेलवेट का फैब्रिक है, तो पर्सनली मुझे लगता है समर में तो कंफर्टेबल नहीं फील कराएगा क्योंकि ये थोड़ा सा हैवी भी है। तो विंटर के किसी भी वेडिंग फंक्शन में आप इसे आराम से अच्छे से एक्सेसराइज करके स्टाइल कर सकते हैं। चलिए अब स्टाइल करके देख लेते हैं कि लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है एंड लुक कैसा निकल के आता है। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं कि साड़ी स्टाइल करने पर बहुत ही खूबसूरत एंड प्रिटी लग रही है। साड़ी की चौड़ान काफी अच्छी है, लेंथ काफी अच्छी है, 5 फीट 6 इंच या मुझे लगता है उससे ज्यादा हाइट वाले भी इस साड़ी को आराम से स्टाइल कर सकते हैं। किसी भी पार्टी किसी भी फंक्शन में स्टाइल करेंगे ना तो बहुत ही ग्रेसफुल लुक मिलेगा। चूंकि ये वेलवेट का फैब्रिक है तो जब आप प्लेट्स बना के टग इन करेंगे तो वहां पे ये थोड़ा सा फुला फुला नजर आएगा, तो इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा। बट अगर पसंद आता है तो मेरी तरफ से तो हाईली रिकमेंडेड साड़ी है। किसी भी पार्टी में किसी भी वेडिंग फंक्शन में स्टाइल करेंगे ना तो बहुत ही खूबसूरत लगेगी। सेकंड पार्सल ओपन करते हैं जो अगेन बहुत ही हैवी है, इसमें से पता नहीं क्या निकलने वाला है, देखते हैं। इसमें से शायद एक कुर्ता सेट निकलने वाला है क्योंकि मुझे थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। एंड आज के कलेक्शन में सबसे हाई रेंज का जो मैंने एक बोला था ना 1500 के अप्रॉक्स मुझे कुर्ता सेट मिला था, वो ये होने वाला है। आप देखिए, देखने में तो फर्स्ट लुक में वही लग रहा है जो मैंने ऑर्डर किया था। एंड आप पैकिंग देखिए, पैकिंग काफ़ी अच्छे से करके इन्होंने भेजी है। दो कलर के ऑप्शन थे, ग्रीन एंड मरून, मैंने ग्रीन कलर वाला बाय किया है। तो ओपन करके मैं आपको इसे दिखाती हूँ। आपको कुर्ता, प्लाजो एंड चुन्नी तीनों मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम इसका कुर्ता देखते हैं जो बहुत ही खूबसूरत है। तो वेलवेट का ही फैब्रिक है बट क्वालिटी काफ़ी अच्छी रखी है, बिल्कुल भी चीप क्वालिटी वाला नहीं है, बहुत ही सॉफ्ट है, थोड़ा सा थिक फैब्रिक है। तो विंटर में अगर आप स्टाइल करेंगे ना तो बहुत ही खूबसूरत लुक भी निकल के आएगा। एट द सेम टाइम आपको ये ठंडी से भी बचाएगा, हल्की फुल्की जो ठंड होती है उससे बचाएगा क्योंकि इसका फैब्रिक मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। एंड विंटर वेडिंग के लिए तो मुझे बहुत ही अच्छा ऑप्शन लगा। इस तरह से नेक पे आप देखिए, आपको पूरा एम्ब्रॉयडरी वर्क की एंड सीक्वेंस वर्क की डिटेलिंग मिलेगी। भी नेक है एंड नेक पे आप देखिए बहुत ही खूबसूरत से इन्होंने डिटेलिंग दी है। फिनिशिंग आप देखिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी रखी है, तो किसी भी पार्टी में स्टाइल करने पे जस्ट वॉल लुक निकल के आएगा। इसके बाद ये कुर्ता प्लेन है, आप देखिए स्ट्रेट कट की कुर्ती है, दोनों साइड में अच्छा खासा स्लिट मिल जाएगा। अगेन लास्ट इन पे इस कुर्ते में आप देखिए इस तरह से आपको एम्ब्रॉयडरी एंड सीक्वेंस वर्क का बॉर्डर मिलेगा। कैसी बहुत ही खूबसूरत ये कुर्ता लग रहा है, मतलब जैसा मीशो की साइट पे दिखा था उससे भी मुझे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। साइट पे जो पिक लगी है पहली एंड दूसरी जो मॉडल ने वियर की है एग्जैक्टली वैसा कुर्ता आपको नहीं रिसीव होने वाला, उसका रिप्लिका यानी जो थर्ड फोर्थ पिक लगी है एग्जैक्टली वैसा आपको कुर्ता रिसीव होने वाला। फिनिशिंग भी आप देखिए बहुत ही अच्छी रखी है इन्होंने, बैक साइड से भी आप देखिए। स्लिप की बात करूं तो स्लिप तो बहुत ही मतलब एकदम मेरा दिल साइज पे आ गया, इतना खूबसूरत इसका स्लिप है। आप देखिए हल्का सा आपको कह सकते हैं जो पाकिस्तानी स्टाइल में स्लिप होते हैं कुर्ते में, उस तरह से आपको फ्लेयर के साथ हल्का स्लिप मिलेगा। 3/4 लेंथ की स्लिप है एंड स्लिप पे आप देखिए पूरा आपको हैवी एम्ब्रॉयडरी एंड सीक्वेंस वर्क की डिटेलिंग मिलने वाली है। कैसी जब आप स्टाइल करेंगे तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितना खूबसूरत लुक निकल के आने वाला है। मैं एकदम पास से दिखा रही हूँ, आप देखिए पूरे स्लिप पे आपको ये डिटेलिंग मिलने वाली है। एंड लास्ट इन पे आप देखिए बहुत ही खूबसूरत से इन्होंने पर्ल के लटकन लगाए हैं, तो इसकी वजह से आप किसी भी पार्टी में किसी भी वेडिंग फंक्शन में स्टाइल करेंगे ना बहुत ही खूबसूरत लुक देगा। बैक साइड की बात करूँ तो बैक साइड ऊपर तो पूरा प्लेन है आप देखिए, बट नीचे की साइड अगेन बॉर्डर पे इन्होंने जैसा फ्रंट में डिटेलिंग दी है वैसा आपको मिल जाएगा। देखिए ये बैक साइड वाला है एंड ये फ्रंट वाला है, तो दोनों साइड आपको ये डिटेलिंग मिल जाएगी। इसका ट्राउजर देख लेते हैं, ट्राउजर अगेन आपको वेलवेट के फैब्रिक में मिलने वाला है, सॉफ्ट फैब्रिक है, बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है। एंड वेस्ट पे आपको इलास्टिक का पैटर्न मिलेगा आगे पीछे दोनों साइड में, इसकी भी क्वालिटी इन्होंने काफ़ी अच्छी रखी है। सिंपल सा प्लेन ट्राउजर है एंड लास्ट इन पे आपको कुछ इस तरह से डिटेलिंग मिलेगी, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ है। चुन्नी की बात करूँ तो जिस हिसाब से इन्होंने कुर्ता एंड ट्राउजर दिया है उस हिसाब से मुझे इसकी कुर्ती मतलब इसकी चुन्नी की क्वालिटी नहीं लगी, चुन्नी की क्वालिटी मुझे थोड़ी सी डिग्रेड लगी। शिफॉन का प्रोवाइड किया, आई थिंक अगर ये नेट का होता या थोड़ा सा साइनी मटेरियल में होता, क्योंकि जो कुर्ता ट्राउजर है ना उसमें बहुत ही अच्छी साइन है एंड चुन्नी देखिए उसके सामने थोड़ी सी डल दिख रही है, तो चुन्नी का फैब्रिक मुझे उतना नहीं पसंद आया, बट ठीक है कोई बात नहीं। विड्थ की बात की जाए तो विड्थ इन्होंने सही प्रोवाइड की है, अब लेंथ देख लेते हैं, लेंथ भी इन्होंने सही प्रोवाइड की है, छोटी चुन्नी नहीं है। पूरी चुन्नी पे आपको इस तरह से मोतियों वाली डिटेलिंग मिलेगी, आप देखिए गोल्डन कलर का इन्होंने पूरी चुन्नी पे मोती लगाया है। एंड ये जो पर्ल है ये मतलब ग्लू से स्टिच नहीं है, ये पिनअप किए गए हैं, बैक साइड से भी मैं आपको दिखाती हूँ, तो ये इजीली निकलने वाले नहीं है। आप देखिए पूरी चुन्नी पे आपको ये गोल्डन पर्ल की डिटेलिंग मिलेगी एंड विड्थ वाली साइड में लेंथ वाली साइड में सॉरी आपको इस तरह से जैसा इन्होंने स्लिप के लास्ट इन पे ये पर्ल का लटकन दिया वैसा आपको
चुन्नी के लेंथ वाली साइड में मिलेगा एंड विथ वाली साइड में इस तरह से लेस की डिटेलिंग, सॉरी दोनों लेंथ वाली साइड में नहीं मिलेगा, सिर्फ एक लेंथ वाली साइड में इन्होंने ये पॉल की डिटेलिंग दी है एंड तीनों साइड में आपको ये गोल्डन लेस की डिटेलिंग। तो इस जो वर्क प्रोवाइड किया है वो तो बहुत ही खूबसूरत है, बस चुन्नी का जो फैब्रिक है ना वो मुझे उतना नहीं पसंद आया। इस कुर्ता सेट को भी अभी तक मैंने स्टाइल नहीं किया, तो चलिए स्टाइल करके देखते हैं लुक कैसा निकल के आता है एंड आपको ये बाय करना चाहिए कि नहीं। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं कि ये कुर्ता सेट स्टाइल करने पे कैसा लुक दे रहा है, मुझे तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। हाँ चुन्नी कुर्ता सेट के सामने थोड़ी सी डल दिख रही है, बट कोई नहीं बात, आप इसके साथ कोई अलग चुन्नी भी पेयर अप कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से तो हाईली रिकमेंडेड ये कुर्ता सेट है मेहंदी फंक्शन में पहनने के लिए। अगर आप कोई अच्छा सा वेलवेट के फैब्रिक में कुर्ता सेट लेना चाहते हैं तो आँख बंद करके आप इसमें अपने पैसे इन्वेस्ट कीजिए, बहुत ही प्रिटी लुक दे रहा है ये। अदर भी किसी वेडिंग फंक्शन में इसे वियर करेंगे ना तो आपको बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट मिलने वाले हैं। तो पसंद आता है तो ज़रूर बाय कीजिए। नेक्स्ट पार्सल ओपन करती हूँ एंड देखती हूँ इसमें से क्या निकलता है। इस पार्सल में से भी एक बहुत ही खूबसूरत सा कुर्ता सेट निकला। इस कुर्ता सेट में सिर्फ आपको कुर्ता एंड ट्राउजर मिलेगा, प्लाजो मिलेगा, कोई भी चुन्नी नहीं मिलेगी। कि प्राइस की बात करूँ तो मैंने एग्जैक्टली प्राइस लिखी हुई है, मैं आपको बता देती हूँ। 752 में मैंने ये कुर्ता सेट मिला था, सिंगल कलर है, कोई भी कलर का ऑप्शन नहीं है। एंड जो इससे पहले मैंने ग्रीन वाला कुर्ता सेट दिखाया था वो मुझे 1461 में मिला था, उसकी भी एग्जैक्ट प्राइस मैंने मेंशन की थी। तो इसे ओपन करके दिखाती हूँ। सबसे पहले कुर्ता दिखाती हूँ, जैसा कि आप सब पहले से जानते हो कि वेलवेट के फैब्रिक में होने वाला अनारकली कुर्ता है। अगेन जो फैब्रिक है सॉफ्ट है, थिक थोड़ा फैब्रिक है, तो विंटर में स्टाइल करने पे काफ़ी अच्छा भी फील कराएगा, काफ़ी कंफर्टेबल भी फील कराएगा एंड क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रखी है। कलर भी काफ़ी प्यारा है, एकदम ब्लैक कलर है, जेट ब्लैक कलर। इस तरह से आपको राउंड नेक मिलेगा, बंद गला एंड योग पे आप देखिए, मतलब नेक पे इन्होंने इस तरह से ब्रोकेट का कपड़ा लगाया है जिसपे इस तरह से आपको विभिन्न वर्क मिलेगा। फ्रंट पे इन्होंने इस तरह से बटन की स्टिचिंग की है, ये सिर्फ शो के लिए, ये ओपन नहीं होंगे, तो फ्रंट में आपको कुछ इस तरह से डिटेलिंग मिलेगी। स्लीव की बात करूँ तो 3/4 लेंथ की स्लीव है। स्लीव के लास्ट इन पे भी आपको जैसा इन्होंने नेक पे पैटर्न दिया वैसा वर्क मिलेगा, ये विभिन्न वर्क वाला। ये एक अनारकली कुर्ता है, कोई भी स्लिट नहीं मिलेगा। वेस्ट से आप देखिए इन्होंने छोटे छोटे प्लीट्स देके इसका फ्लेयर स्टार्ट किया है। इसके बाद ये पूरा कुर्ता प्लेन है, बस आपको नेक पे डिटेलिंग मिलेगी। बैक साइड की बात करूँ तो बैक साइड भी आप देख सकते हैं पूरा कुर्ता प्लेन है। एंड ट्रांसपेरेंसी की बात करूँ तो बहुत ही हल्का सा ट्रांसपेरेंट है, बट चूंकि ये ब्लैक कलर में है तो विदाउट इनर भी आप इसे इजीली स्टाइल कर सकते हैं। अब इसके घेरे की बात करूँ तो घेरा इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रोवाइड किया है प्राइस के अकॉर्डिंग, मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छा घेरा आपको मिलने वाला है, आप देखिए 1 मीटर से भी ज़्यादा आपको इस कुर्ते में घेरा मिलने वाला है। अब इसका प्लाजो देख लेते हैं। तो प्लाजो जो है वो वेलवेट के फैब्रिक में नहीं होने वाला, प्लाजो का जो फैब्रिक है वो थोड़ा सा ब्रोकेट मिक्स का है। वेस्ट पे आपको इलास्टिक का पैटर्न मिलेगा आगे पीछे दोनों साइड में, पूरा ब्लैक कलर का प्लाजो है एंड उस पर पूरा इस तरह से आपको हैवी विविन वर्क मिलेगा। आप देखिए पूरा हैवी विविन वर्क मिलेगा ऊपर से नीचे तक, आगे पीछे दोनों साइड में एंड अंदर की साइड इनर लगाया है तो बहुत ही कंफर्टेबल फील होगा। बिल्कुल भी ये जो वर्क दिया है ना आपको चुभेगा नहीं, आप इजीली इसे पहन सकते हैं। तो इस तरह से आपको प्लाजो मिलेगा एंड प्लाजो की विड्थ भी इन्होंने काफ़ी अच्छी प्रोवाइड की है, आप देखिए इतनी आपको विड्थ मिल रही है। ये कुर्ता सेट भी आप स्टाइल करने पे देख सकते हैं कि कैसा लुक दे रहा। समर में तो आप इनमें से मैंने जो भी दिखाया किसी को भी नहीं स्टाइल कर सकते क्योंकि समर में बहुत ही डिसकम्फर्टेबल फील कराता है ये फैब्रिक, बट विंटर में आप इसे अच्छे से एक्सेसराइज करके किसी भी पार्टी में स्टाइल करेंगे बहुत ही खूबसूरत लुक देगा, स्पेशली इस प्लाजो की वजह से। एंड ये ब्लैक कलर है ना तो बहुत ही रॉयल एंड खूबसूरत लुक दे रहा। मुझे तो पर्सनली प्राइस के अकॉर्डिंग इसकी क्वालिटी अगेन बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। अगर आपको पसंद आता है तो जरूर बाय कीजिए एंड अपकमिंग वेडिंग सीजन में स्टाइल करके एक बार देखिए, आपको बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लीमेंट मिलने वाले हैं। मैं आपको 2 ब्लाउज दिखाने वाली हूँ जो अगेन वेलवेट के फैब्रिक में होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको ग्रीन कलर का ब्लाउज दिखा दूँ, आप देखिए प्राइस की बात करूँ तो 400 में आई थिंक ये मिला था। 7 या 8 कलर के ऑप्शन है तो आप अपना मनपसंद कलर चूज कर सकते हैं, बट बहुत ही खूबसूरत ब्लाउज है। आप देखिए इसका लुक वाइज आप देखिए बहुत ही खूबसूरत है एंड आजकल इस तरह के ब्लाउज बहुत ही वायरल है, ट्रेंडिंग है। फैब्रिक अगेन बहुत ही अच्छा है, प्राइस के अकॉर्डिंग क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। अंदर की साइड इनर प्रोवाइडेड है तो बिल्कुल भी डिसकम्फर्टेबल फील नहीं होगा। पैडेड ब्लाउज है, जो पैड यूज किया इसकी भी क्वालिटी इन्होंने काफ़ी अच्छी रखी है। इस तरह से नेक पे आप देखिए वी नेक मिलेगा, पूरा एम्ब्रॉयडरी वर्क की डिटेलिंग है, एम्ब्रॉयडरी वर्क की फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी रखी है एंड पूरे ब्लाउज में आप देखिए इस तरह से इन्होंने गोल्डन कलर के सीक्वेंस स्टिच किए हैं, बट स्टिचिंग उतनी अच्छी नहीं की है, बहुत ही ख़राब भी नहीं की है एंड बहुत ही अच्छी भी नहीं की, क्योंकि एक दो जगह से ये जो सीक्वेंस है हल्के से लूज हो गए हैं, तो स्टिचिंग उतनी अच्छी नहीं की है, बाकी सब कुछ बहुत ही अच्छा है।
हाफ लेंथ की स्लिप मिलेगी एंड स्लिप के लास्ट इन पे आप देखिए आपको हैवी सीक्वेंस वर्क एंड एम्ब्रॉयडरी वर्क की डिटेलिंग मिलेगी एंड फ्रंट साइड का पैटर्न भी देख सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने इस तरह से पाइपिंग लगाया है। अगेन लास्ट इन पे आपको एम्ब्रॉयडरी वर्क की डिटेलिंग मिलेगी। बैक साइड से आप देखिए यहाँ पे आपको डोरी की डिटेलिंग मिलेगी, इस तरह से टैसल लटका है। देन इस तरह से एम्ब्रॉयडरी वर्क की डिटेलिंग, बैक साइड भी पूरा आपको सीक्वेंस वर्क की स्टिचिंग मिलेगी। बैक साइड से ये ओपन होता है, यहाँ पे इन्होंने हुक की डिटेलिंग दी है, हुक की स्टिचिंग भी काफी अच्छी की है। तो प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे तो ये टोटली वर्थ इट ब्लाउज लगता है। आप इसे साड़ियों के साथ, लहंगों के साथ, किसी के साथ भी स्टाइल करेंगे। स्पेशली अगर मेहंदी फंक्शन के लिए आप अपने लिए कोई ब्लाउज लेना चाहते हैं तो मेरी तरफ से तो मस्ट बाई ऑप्शन है, क्योंकि प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा है एंड स्टाइल करने पर मुझे लगता है बहुत ही खूबसूरत लुक ये देने वाला है। मैं जो आपको ब्लाउज दिखाने वाली हूँ बहुत ही खूबसूरत से पर्पल कलर में, इसमें भी आपको 7-8 कलर के ऑप्शन मिलेंगे, 400 के अप्रॉक्स मिला था। आप देखिए लुक वाइज बहुत ही खूबसूरत ब्लाउज है। इस तरह से भी नेक मिलेगा, नेक पे आप देखिए लेस एंड एम्ब्रॉयडरी वर्क की डिटेलिंग मिलेगी। फिनिशिंग काफ़ी अच्छी रखी है, जो वेलवेट का फैब्रिक है काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, अंदर की साइड इनर प्रोवाइडेड है तो बिल्कुल भी डिसकम्फर्टेबल नहीं फील होगा। ये भी पैडेड ब्लाउज है, पैड की क्वालिटी भी इन्होंने काफ़ी अच्छी रखी है। हाफ लेंथ की स्लीव है, स्लीव पे भी आप देखिए इस तरह से आपको लेस की डिटेलिंग मिलेगी एंड नीचे की साइड भी आपको इस तरह से लेस की डिटेलिंग मिलेगी। ये बैकलेस ब्लाउज है, बैक से आप देखिए बहुत ही खूबसूरत लुक निकल के आने वाला। इस तरह से डीप भी नेक मिलेगा, पूरा लेस की डिटेलिंग मिलेगी एंड लास्ट इन पे इन्होंने हल्की सी स्टिचिंग की है तो वो तो आप ओपन कर लेंगे एंड अपने साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे इन्होंने डोरी प्रोवाइड की है तो डोरी से आपको फिक्स करना होगा। तो अगर आप इस तरह के बैकलेस ब्लाउज पहनने में कंफर्टेबल है तो एक बार इस ब्लाउज को बाय कीजिए एंड स्टाइल करके देखिए, बहुत ही खूबसूरत लुक निकल के आने वाला है एंड जो कलर है, वर्क है, एकदम पार्टी फंक्शन अप्रोप्रिएट है। तो अगेन प्राइस के अकॉर्डिंग टोटली वर्थ इट ये ब्लाउज है। पसंद आता है तो जरूर बाय कीजिए, कई सारे कलर के ऑप्शन मिल जाएंगे। यही था मेरा आज का हैशटैग वेलवेट फैब्रिक स्पेशल हॉल। आई होप आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि जितनी सारी चीजें मैंने दिखाई सब कुछ पार्टी अप्रोप्रिएट है। तो अगर आपको कुछ भी पसंद आता है तो सारे के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए हैं, जाके एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।